हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आप सभी बच्चों को टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर ग्रुप ए के स्टूडेंट्स के लिए। उन लोगों को हमने मैथ्स में असाइनमेंट दिया था और टॉपिक था रेंज से रिलेटेड। बहुत सारे बच्चों ने सवाल बनाए, बहुत सारे बच्चों को एक दो सवाल में डाउट था, तो आज हम वो डाउट सवाल आपको करा दे रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे क्या है क्वेश्चन। तो दो क्वेश्चन हम आपके सामने लाए हैं जो कि आपको डाउट था। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि आपको फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की रेंज कैलकुलेट करनी है। वेयर एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो क्या है? 1/4 माइनस साइन 2x और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये दो सवाल हम लोग करेंगे ताकि आपका जो भी डाउट है वह क्लियर हो जाए। फिर से तो अगर हम सवाल नंबर 1 की बात करते हैं तो हम तरीका क्या समझाए हैं आप लोगों को कि जब भी अगर रेंज का सवाल हो तो हमेशा लेट कर लें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब कि y इज इक्वल टू 1/4 माइनस साइन 2x। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ एक्स इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करना होगा? चूंकि सवाल जो है वह रेंज का है और रेंज में भी ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड सवाल है, तो हम कॉन्सेप्ट समझाए थे कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक पॉइंट को पकड़ लो। पकड़ने का मतलब क्या हुआ? जैसे देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे साइन 2x। दिख रहा है साइन 2x? क्योंकि इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक वाला जो फंक्शन है वो यहां पर दिख रहा है साइन 2x। अब आपको पता होगा साइन 2x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, तो साइन 2x की वैल्यू जो होगी वह -1 से लेकर के 1 तक होती है, इसके बीच में होती है। तो यह किसकी वैल्यू आ गई? साइन 2x की। हालांकि एक बात याद रखना बच्चा लोग, हमको साइन 2x की वैल्यू नहीं कैलकुलेट करनी है, हमको कैलकुलेट करना है 1/4 माइनस साइन 2x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है। जहां से जहां तक होगी उसी को हम रेंज कहेंगे। फिर से, y की सारी वैल्यू को हम लोग क्या कहने वाले हैं? यहां पर रेंज कहने वाले हैं। लेकिन कंडीशन क्या है? x उसके डोमेन में आना चाहिए। तो सिंपली बात यही समझना है बच्चा लोग कि हमको y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, मतलब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहला हम ये देख लिए कि साइन 2x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। अब चूंकि एक बात याद रखना है और अच्छे से समझना, हम लोग को यह बात पहले से पता है कि जो 5 है वह 4 से बड़ा है, लेकिन अगर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम इसको ऐसे लिखेंगे -5 और इधर -4, तो ये तो गलत हो गया ना बाबू, क्योंकि -5 जो है वह -4 से छोटा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी तुम माइनस गुना करना तो दोनों साइड माइनस गुना करोगे, तो जैसे ही माइनस गुना होता है तो ये जो साइन है वह बदल जाता है। मतलब अगर इधर -5 और इधर -4 करोगे तो ये साइन बदल के ऐसे हो जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर हम दोनों साइड माइनस करते हैं, देखो यहां पर इस साइड क्या किए? -2x किए। तो भाई साहब ये जो साइन है ये भी तो बदल जाएगा। अब माइनस गुना करने पर ये 1 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। क्यों ऐसा किए? क्योंकि हमको -sin 2x की जरूरत है।
अच्छा आगे देखते हैं, और नीचे में ही क्या है, प्लस फोर है, तो हम दोनों साइड प्लस फोर कर देते हैं। तो प्लस फोर किए तो ये फाइव, प्लस फोर किए तो ऐसा लिखाया, देखो यहां पे आगे चार जोड़ दिए और यहां पर जोड़े तो तीन लिखा गया, तो ये तो जोड़ने पर आया। अब तुम अच्छे से एक बात और समझना, अच्छा तो ये आ गया फोर माइनस साइन टू एक्स। चूंकि हमको फोर माइनस साइन टू एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमको वैल्यू निकालनी है वन बाई फोर माइनस साइन टू एक्स की, मतलब एक बटा का। अब एक कॉन्सेप्ट और समझो, अगर तुम खुद सोचो कि अगर पांच बड़ा है चार से तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात, लेकिन अगर हम ऐसा कर दें यहां पर एक बटा पांच कर दें तो यहां भी एक बटा चार करना होगा, आ एक बटा पांच का मतलब होता है 0.2, आ एक बटा चार का मतलब होता है 0.25। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब बटा में हो जाएगा तो भी साइन बदल जाएगा। देखो पहले पांच बड़ा था चार से, लेकिन जैसे हम एक बटा पांच और एक बटा चार किए तो ये लोग भी वापस में क्या हो गया, बदल गया, तो साइन बदल गई। तो हम यहां पर देखो एक बटा कर देते हैं फोर माइनस साइन टू एक्स, तो जैसे ही बटा किए तो साइन बदल जाएगी, यहां पर एक बटा पांच हो जाएगा और यहां पर एक बटा तीन हो जाएगी। और देखो एक बटा पांच और यही तो हमारी y की वैल्यू आ गई और ये हो गई एक बटा तीन, मतलब कि हमारी जो रेंज है, जो अपनी रेंज आंसर आई, वह रेंज कहां से कहां तक आ गई बाबू, एक बटा पांच से एक बटा तीन। चूंकि इक्वल टू भी है इसीलिए क्लोज ब्रैकेट, यहां भी इक्वल टू है इसीलिए क्लोज ब्रैकेट। तो ये आया रेंज। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो ठीक है अब आगे की कहानी। तो अब ना दूसरा सवाल, अब ये भी सवाल उसी प्रकार से है लेकिन इसमें ना थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। अब ट्रिकी सवाल ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है, लेकिन थोड़ी सी कॉमन सेंस की जरूरत पड़ेगी। जैसे अब सवाल तो वही है, हम y को मान लेंगे क्या चीज, f ऑफ x, तो उस हिसाब से y क्या हो जाएगा, cos x माइनस sin x। अब सुनना, चूंकि यहां पर एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक वाला था इसीलिए आसानी से करते चले गए, लेकिन यहां पर दो गो ट्रिग्नोमेट्रिक आ गए, दो गो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos और sin, तो अब क्या करें। तो ऐसे स्थिति में थोड़ा बहुत आपको ब्रेन की जरूरत पड़ती है। अब जैसे कि अगर हम तुमको बोलें कि इसको ना हम सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो अब क्या करें, तो बोलते हैं ना कि देखो अगर हम रूट टू और रूट टू ऊपर नीचे गुना कर देते हैं तो हमको नहीं लगता कि तुमको किसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। हां बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा तो अगर हम इस रूट टू को जो गुना किए हैं उसको बाहर रख लेते हैं और वन बाई रूट टू कॉस एक्स माइनस वन बाई रूट टू साइन एक्स। देखो अब हम और उम्मीद कर रहे हैं कि तुमको और कुछ भी दुख दर्द नहीं हुआ होगा, अरे वन बाई रूट टू इसमें भी, वन बाई रूट टू इसमें भी गुना कर दिए। अच्छा अब देखना वाई इज इक्वल टू रूट टू, अच्छा देखो इसको लिख सकते हो कॉस पाई बाई फोर, हा ठीक है तुम साइन पाई बाई फोर भी लिख सकते हो, कॉस पाई बाई फोर भी तो लिख सकते हो। अच्छा कॉस पाई बाई फोर कॉस एक्स माइनस साइन पाई बाई फोर साइन एक्स। अरे हां भाई हम समझ रहे हैं, तुम यहां पर मन में आ रहा होगा कि सर यहां कॉस 45 भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, जो भी इच्छा है कॉस लिखो साइन लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है सर, तो अब ऐसा करने से क्या हुआ ना बाबू कि ये रूट टू, अब सुनना फॉर्मूला बन गया कॉस ए
कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। मतलब ये पूरी कहानी किसकी हो गई, तो पूरी कहानी हो गई कॉस ए प्लस बी की। अब देखो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले दो के रूप में था कॉस और साइन के, उसको हमने कन्वर्ट करके किस में कर दिया, एक के रूप में कर दिया सिर्फ कॉस। अब हमको इसी की ना वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या समझाए हैं, देखो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक वाला फंक्शन पकड़ लो, जैसे यहां पर साइन टू एक्स को पकड़े थे, तो यहां पर हम किसको पकड़ लेंगे कॉस पाई बाई फोर प्लस एक्स। अब देखना ये तो एंगल है, अब भाई कॉस का एंगल तुम कुछ भी बैठाओ आंसर तो माइनस वन से वन के बीच में ही आएगा, बिल्कुल सर आएगा, लेकिन तुमको इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है, इसमें रूट टू गुना करके वैल्यू निकालना है तभी ना वाई आएगा। तो रूट टू यहां गुना किए, रूट टू यहां भी गुना किए और रूट टू यहां भी गुना कर दिए। तो अब आपको एक चीज समझ में आया होगा कि ये माइनस रूट टू, ये हो गया वाई और ये हो गया रूट टू। तो बोलो रेंज की जो वैल्यू है वह कहां से कहां आ गई, तो देखो माइनस रूट टू से रूट टू तक, चूंकि इक्वल टू का भी साइन है इसीलिए क्लोज ब्रैकेट लगा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया से ये दोनों सवाल समझ में आया होगा। हालांकि अगर आपको बढ़िया लगा हो वीडियो लेक्चर, तो अपने दोस्तों को जरूर इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।